ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे ना इसका, तो ये अभी एक महीना एक डेढ़ महीना ही हुआ है बने हुए इसका, तो अच्छा खासा बना हुआ था 60 लाख के आसपास सुना इसका एस्टिमेट भी। इस हिसाब से अगर अमाउंट है, अगर एक महीने का इसकी बुनियाद नहीं रही अभी, ना तो बारिश आई है ना कुछ आया, अभी ये शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। अगर इतना खुदा खासा अगर जानी नुकसान कोई बंदा आदमी बीच बैठा होता तो फिर कौन जिम्मेवार था इस चीज़ का। जी मैम विजिट किया आपने? हमारे सर्कुलर रोड पे जो ये हमारा इल्फेट जो इंसिडेंट कल शाम को हुआ था, उस समय भी मैं यहाँ से खड़ी थी, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट के राजकुमार जी, हमारे AW, हम दोनों यहाँ पे स्पॉट पे खड़े थे जब हमारे सामने क्रेट एक एक करके गिरे हैं और 4 व्हीकल्स और एक स्कूटर जो दाराशाही होके नाले में गए हैं। आई वॉज द आई विटनेस। सेम मोमेंट पे हमने अपने उनको DC जम्मू को तुरंत फ़ोन करके और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे यहाँ पे कल्प्रिट होंगे उनकी इंक्वायरी बिठा दी जाएगी, बिठाने के बाद और उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। पहले यहाँ से निकला था बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई ऐसी बात नहीं है। ये पिछली बार इन्होंने टेम्परेरी स्टोर किया था, उस वक्त बरसात का था। इस बार मैंने कहा इसको रास्ते को बंद करके रखो जब तक इसको परमानेंट नहीं करेंगे, नीचे से इसको बाकायदा कंक्रीट करके ऊपर लाएंगे ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो, और जो जिनके जो जिम्मेवार लोग होंगे उनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। DC साहब को बोल दिए इसकी इंक्वायरी कराए दूसरे डिपार्टमेंट से, टेक्निकल डिपार्टमेंट से, ताकि जो इसमें दोषी पाया जाए उसको पनिशमेंट किया। लेकिन मैम सर आपको लगता है कि लापरवाही तो हुई है ना काम में? देखिए ये मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जो टेक्निकल लोग होंगे वे इंक्वायरी करेंगे, जो लापरवाही होगी उसको पनिश करेंगे। गाड़ियाँ गिरी थी और जो हमारी एक टीम है वो एनालाइज भी कर रही है कि क्या वजह हुई थी इस चीज़ के बारे में, और एक परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।